हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज का लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है, काउंट अनरीचेबल पेयर्स ऑफ नोट्स इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहे हो तो हम किस लिए हैं? चलो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले, अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड स्टफ पसंद है, प्रॉब्लम ऑफ द डे करना पसंद है, GFG या लीड कोड का, तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं, इसका सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे इससे रिलेटेड वीडियो हम डालते रहेंगे और फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं थोड़ा इंटरव्यूज वगैरह की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करने का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम है, यू आर गिवन एन इंटीजर एन, देर इज अनडायरेक्टेड ग्राफ विद एन नोड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे एजेस, वेयर एजेस आई ए वन बी वन डिनोट्स देयर एक्स। ये थोड़ी सी इंग्लिश है, इसको पढ़ लेना। रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डिफरेंट नोड्स दैट आर अनरीचेबल फ्रॉम ईच अदर। सिंबल क्या है यार, रिटर्न करना है हमें जो पेयर्स अनरीचेबल हैं, मतलब जैसे 0 से 2 हम रीच कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 0 से 1 रीच कर सकते हैं, कर सकते हैं, 1 से 2 रीच कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो क्या इनमें से कोई भी ऐसा पेयर दिख रहा है जो रीच नहीं हो सकता? नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा? 0, ऑब्वियसली। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, ये 0, 2, 4, 5 आपस में कनेक्टेड है, तो मतलब सारे ही आपस में रीचेबल होंगे, हाँ होंगे। 3 कनेक्टेड नहीं है, तो 3, 5, 3 कनेक्टेड हैं, नहीं है, तो रीचेबल होंगे, नहीं होंगे। 3 से 4 रीचेबल नहीं, 3 से 0 नहीं रीचेबल, 3 से 2 नहीं रीचेबल। इसी तरीके से 1 से 5 नॉट रीचेबल, ये चारों 1 से रीचेबल नहीं होंगे, ये चारों 6 से रीचेबल नहीं होंगे। तो ये क्या दिख रहा है आपको, डिस्कनेक्टेड ग्राफ का प्रॉब्लम दिख रहा है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ का प्रॉब्लम दिख रहा है। हाँ, नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं, सिर्फ इतना सा नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है और कुछ नहीं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या है, 0 से 2 रीचेबल है, हाँ है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया बात। 2 से 1 रीचेबल है, हाँ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। 1 से 2 रीचेबल है, हाँ है। तो ये 0, 1, 2 के हमारे कितने पेयर्स हो सकते हैं? यही हो सकता है ना, 0, 1, 0, 2, 2, 1। अब वो है अनडायरेक्टेड है, तो बाई डायरेक्शनल है, तो 2 से 0 भी मान लो, 2 से 1 मान लो, 0 से 1 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। कोई ऐसा वो नहीं है जो आपस में कनेक्टेड ना हो, जैसे आजकल के रिलेशनशिप वाले लोग। अब इसी तरीके से चलो शुरू करते हैं दूसरा एग्जाम्पल के साथ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये इसको हटा दें, ये समझ आ गया, चलो ठीक है। क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, ये एक ग्रुप है, ठीक है, और ये एक ग्रुप है, और ये बेचारा सिंगल रह गया। क्या देख रहे हो आप लोगों की तरह, ये भी सिंगल रह गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यही ग्रुप फाइंड करने हैं कि कितने ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, हालांकि सिंगल लोगों का कोई ग्रुप नहीं होता, लेकिन फिर भी कनेक्टेड में है, हम डिसकनेक्टेड ग्राफ में इसको भी एक ग्रुप मानेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है भाई, एक ग्रुप है तो आजकल क्या करते हैं, सब व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते, सब आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये ग्रुप है तो 0, 2, 5, 4 आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे बिल्कुल। 0 से 2 कनेक्टेड है, हाँ है, 2 से 4 कनेक्टेड है, हाँ है, तो 0 से 4 कनेक्टेड होगा, हाँ होगा, कैसे, 2 के वाया। 4 से 5 कनेक्टेड है, हाँ है, 5 से 0 कनेक्टेड, हाँ है, आपस में ये पूरा ग्रुप कनेक्ट होगा। अब क्या है, 3 आपस खुद से ही कनेक्टेड होगा बेचारा, ठीक है। अब क्या है, 1 और 6 आपस में कनेक्टेड है, हाँ, ये 2 वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठते हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड, हाँ है, तो 1, 6, ठीक। अब ये कितने लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों का ग्रुप है। ये कितने लोगों का ग्रुप है, 2 लोगों का ग्रुप है। ये कितने लोगों का ग्रुप है, 1 लोग का ग्रुप है, तो ठीक है। जब ये 4 लोगों का ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, तो इसके पेयर्स अगर मैं इसको इसके साथ पेयर करूँ तो कितने पेयर बनेंगे, 4 × 1 4 पेयर्स बने, ठीक है। ये ग्रुप मेरा कनेक्टेड हो गया, अब ये मेरा इससे कनेक्टेड नहीं था, इसमें कितने लोग थे, 2। अब इस एक को 2 से जोड़ने के लिए कितने पेयर्स बनेंगे, 2 × 1, इसमें 2 है, इसमें 1 है, 2 × 1 कितने हो गया, 2। अब इसमें 4 लोग हैं, इसमें 2 लोग हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 2 है, इनको कनेक्ट करने के लिए कितना लगेगा, 4 × 2, तो टोटल कितना हो गया, 2 × 1 + 4 × 1 + 4 × 2, कितने हो जाएंगे टोटल, 40 हमारा आंसर है। चलो प्रॉब्लम अच्छे से समझ आया होगा, तो एक बार और बता देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। करना ये है कि 0 से 2 कनेक्टेड है, हाँ है, 0 से 5 कनेक्टेड है, हाँ है, 2 से 4 कनेक्टेड है, हाँ है, अब 4 से 5 कनेक्टेड है, हाँ है, तो ये चारों आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक, ये चारों आपस में कनेक्टेड होंगे, ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये कितने हैं, 4। ये 3 अकेला है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, अकेले में ही कनेक्टेड है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। अब ये क्या है, 1 और 6 खुद से कनेक्टेड है, 1 और 6 खुद से कनेक्टेड है, कितने हैं, 2। अब ये 4 हैं,
ठीक है, अब इनको पेयर बनाना है, जैसे 3 के साथ जोड़ना है तो 5 और 3 डिस्कनेक्टेड है, 4 और 3 डिस्कनेक्टेड है, 2 और 3 डिस्कनेक्टेड है, 0 और 3 डिस्कनेक्टेड है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए कितने वो लगे, कितने पेयर हो जाएंगे, 4। अब इसी तरीके से 3 और 1 डिस्कनेक्टेड है, हाँ 3 और 6 डिस्कनेक्टेड है, कितने डिस्कनेक्शन हुए, 2। अब 1 और 6 को देखना है, 3 का इस ग्रुप के साथ कर दिया, 3 का इस ग्रुप के साथ कर दिया, अब ये ग्रुप बचा, 1 5 के साथ, 1 4 के साथ, 1 0 के साथ, 1 2 के साथ, कितने हो गए, 4। जरा 6 6 5 के साथ, 6 4 के साथ, 6 2 के साथ, 6 0 के साथ, कितने हो गए, 4। तो कितने हो गए, 4 4 4, 12। ये 12 प्लस 2 14। आई होप इतना समझ आया हो, इतना समझ आया, अगर इतना समझ आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ, इसकी अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की। ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया भाई, ये कोई भी दे देगा, ठीक है। अब करना क्या है, करना क्या है, हम DFS फंक्शन लगाते हैं, डिस्कनेक्टेड ग्राफ वाली ये लगाते हैं, ये सब करते हैं, तो पहले एग्जांपल से शुरू करेंगे। करना क्या है, करना क्या है, नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ के साथ साथ हमें क्या फाइंड करना है कि एक ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, बस इतना करना है। ग्राफ नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ हम फाइंड कर लेते हैं, बस हमें और क्या एडिशनल में काउंट करना है कि एक ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, सिंपल क्या करना है कि हमें मान लो 0 से हमेशा वो कर लेंगे, एक हम ले लेंगे विजिटेड अरे, एक क्या हो जाएगा हमारा विजिटेड, ये छोटा लेंगे, 3 ही तो एलिमेंट्स हैं, अभी इसके लिए छोटा लेते हैं, विजिटेड लेंगे। इसमें क्या क्या है, 0 1 और 2, ठीक है। अभी शुरू में क्या रखेंगे, सबको अनविजिटेड रखेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। अभी क्या करेंगे, एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे, क्या वो क्या होगी, 0 से 1 कनेक्टेड है, हाँ है, 0 से कौन कनेक्टेड है, 2, फिर 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 और 2, ठीक। अब 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 और 1, ठीक है। अब यही हमारा काम होगा शुरुआत में, शुरुआत में क्या होगा, अब हम एक अपना DFS फंक्शन लेंगे, DFS फंक्शन होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 को पास कर देंगे, 0 को पास करने के बाद, 0 को पास किया, हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे अगर वो विजिटेड नहीं है, ये विजिटेड नहीं है, नहीं है, तो एक हमारा काउंट फंक्शन होगा और एक हमारा मेंबर्स, मतलब जो नंबर ऑफ एक ग्रुप में कितने हैं वो फाइंड करेगा, और ठीक है, और एक वेक्टर ले लेंगे जिसमें हमें पुश कर देना है, पुश कर देंगे कि एक ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं उसको पुश कर दो, ठीक। सिंबल क्या करा कि पहले एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, ठीक, और एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से, i=0 से n तक चलेगा, और i++, और ये इसके अंदर क्या होगा, इफ नॉट विजिटेड, अगर हमारा नॉट विजिटेड है तो क्या कर देंगे, DFS कॉल कर देंगे, x=df x+=df, ठीक है, i, visited और एडजेसेंसी लिस्ट ले लेंगे इसमें। अब हमने क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो, क्या करना है कि हमने 0 को पास करा, 0 को पास करा, ठीक है, 0 अनविजिटेड था इसलिए वो अंदर जाएगा। अब 0 को पास किया तो DFS फंक्शन मेरा क्या करेगा, सबसे पहले 0 को विजिट कर देगा, 0 को क्या कर देगा, विजिट किया, भाई तुम अंदर आ गए हो, अब तुम्हारी विजिट लग गई है, ठीक है, तुम्हारी हाजिरी लग गई, ये विजिट हो गया। अब ये करेगा कि अब 0 से कौन कौन कनेक्टेड है उसको चेक करेगा, 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 और 2, तो अब क्या करेगा, 1 विजिटेड है, नहीं है, तो क्या कर देगा, 1 को इसमें डाल देगा, 1 को विजिट कर देगा, और फिर DFS क्या करेगा, 1 पे कॉल कर देगा, 1 को विजिट कर दिया और DFS 1 पे कॉल करेगा। अब 1 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 और 2, 0 क्या है, विजिटेड है भाई, 0 क्या है, विजिटेड है। अब जब हमारा DFS के अंदर एक फंक्शन जाता है तो हम DFS वाला काउंट प्लस कर देंगे कितने हमारे डिस्कनेक्टेड हैं, और मेंबर फंक्शन हमारा काउंट करता रहेगा कि कनेक्शन में कितने हुए हैं। अभी हमने क्या था, डाला था 0, कि अभी हमारा डिस्कनेक्ट हुआ, नहीं हुआ तो मेंबर 1 हो जाएगा, फिर 1 पे गए, ठीक है, मेंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 से चेक करेंगे, 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 और 2, 0 विजिटेड है, हाँ है, कुछ नहीं करेंगे, 2 विजिटेड है, नहीं है, इसको क्या करेंगे, विजिट कर देंगे और 2 को पुश कर देंगे और मेंबर बढ़ जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा एक ही लूप में, अभी हमने 0 पास किया और 0 पास करते ही हमारे 0 1 2 सारे विजिट हो गए, 0 पास करने से 0 1 2 सारे विजिट हो गए, मतलब पहले ही ग्रुप में ये मेंबर्स हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे,
जीरो टू विजिट हो गया, अब टू से कौन बंद देंगे, जीरो और वन, जीरो विजिटेड है ऑलरेडी, वन विजिटेड है ऑलरेडी, तो हम डीएफएस से बाहर आ जाएंगे, डीएफएस से बाहर आ जाएंगे, काउंट वन मिलेगा। अब हम आई आई हमारा जीरो से वन हो जाएगा, वन पास करेंगे, वन क्या हो ऑलरेडी विजिटेड है कुछ नहीं करेगा, फिर वन से क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, टू ऑलरेडी विजिटेड है कुछ नहीं होगा। तो कितने ग्रुप हैं, एक ग्रुप है, कितने मेंबर्स हैं, तीन मेंबर्स हैं, एक ही ग्रुप है तो सारे मेंबर्स उसके कनेक्टेड होंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, वेक्टर में हम पुश क्या कर देंगे, जीरो। ठीक, अब इसको दूसरे एग्जांपल पे करते हैं, कितने हुए हैं, जीरो से सिक्स, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सबको इनिशियलाइज क्या कर देंगे जीरो से, जीरो अनविजिटेड है अभी, शुरू में हमने किसी को विजिट नहीं किया। एक हमारा ऑब्वियसली फॉर लूप होगा, एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे, क्या है जीरो से कहाँ जा सकते हैं टू और फाइव, वन से कहाँ जा सकते हैं सिक्स, टू से कहाँ जा सकते हैं जीरो और फोर। ठीक, अब थ्री से कहाँ जा सकते हैं, थ्री से कहीं नहीं जा सकते, थ्री से कहीं नहीं जा सकते, फोर से कहाँ कहाँ जा सकते हैं टू और फाइव, अब फाइव से कहाँ कहाँ जा सकते हैं जीरो और फोर, अब फोर सिक्स से कहाँ कहाँ जा सकते हैं ओनली वन। ठीक, अभी हमारा फॉर लूप होगा, जीरो से लेके एन तक चलेगा। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा, अगर विजिटेड नहीं होगा, इफ नॉट नॉट विजिटेड, तो हमारा डीएफएस फंक्शन कॉल होगा, और उसमें क्या काउंट कर लेंगे हम नंबर, वो अपने वो कितने ग्रुप्स हैं। ठीक है, मेंबर्स मतलब ये हमारे डीएफएस फंक्शन होगा जो हमारे रिटर्न करेगा, जो हमने ग्रुप पास किया उसमें ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, और मेंबर्स को प्लस कर लेंगे। ठीक है, इंटेक्स ले लेंगे इसको डीएफ, अभी क्या करेंगे आई पास कराएंगे, विजिटेड पास कराएंगे और एडजेसेंसी पास करा देंगे। ठीक, अब क्या करेगा, अब क्या करेंगे हम अपना इसमें स्टैक में क्या करेंगे, ये तो हमारा वेक्टर होगा जो नंबर ऑफ मेंबर्स रखेगा। ठीक है, स्टैक में अपनी इसमें क्या करेंगे, डीएफएस कॉल किस पे करेंगे, सबसे पहले जीरो पे, जीरो पे कॉल किया, जीरो विजिटेड था नहीं था, तो इसको क्या कर देंगे विजिट कर देंगे। ठीक है, विजिट कर दिया, अब कितने वो हैं वो भी तो हमें काउंट करना है, कितने ग्रुप्स होंगे। ठीक है, ग्रुप्स मतलब हमारा इंडेक्स में ही आ जाएगा, वैसे अलग से हमें काउंट करने की जरूरत नहीं। अब हमने जीरो पास किया, जीरो पास किया, अब जीरो से कौन कनेक्टेड है, टू, क्या मेरा विजिटेड है, नहीं है, टू को क्या करूँगा विजिट करूँगा, टू को विजिट करूँगा और फिर टू पे डीएफएस लगाऊंगा। मेंबर कितने होंगे, एक जीरो था एक वन था, तो वन से हटा टू, टू हो गए, अब टू पे डीएफएस, टू पे डीएफएस, टू से कनेक्टेड कौन कौन है, जीरो और फोर, जीरो विजिटेड हाँ है, तो अब क्या करेंगे फोर को, फोर विजिट, फोर को विजिट करेंगे और फोर, फोर पे डीएफएस कॉल करेंगे, टू को हट जाएगा। ठीक, अब क्या है मेंबर कितने हो गए, थ्री, फोर से कौन कौन कनेक्टेड है, टू और फाइव, टू विजिटेड है हाँ, फाइव विजिटेड है नहीं, तो फाइव को विजिट करूंगा, अब फाइव पे डीएफएस कॉल हो जाएगा, कितने मेंबर्स हो गए फोर, फाइव पे डीएफएस कॉल हो जाएगा, फाइव से कौन कौन है, जीरो और फोर, जीरो विजिटेड है हाँ, फाइव विजिटेड है, फोर विजिटेड है हाँ है, तो हमारा क्या होगा, पहला डीएफएस कॉल खत्म हो जाएगा, पहला डीएफएस खत्म हो जाएगा, मेंबर्स कितने देगा हमारे फाइव, फोर, फोर को पुश कर दूंगा, तो अब क्या करेंगे जीरो से हट के वन पे आ जाएंगे, वन, वन पे कॉल करेंगे, क्या वन विजिटेड है, नहीं है, तो वन को कॉल करा, वन विजिटेड नहीं है, तो अब हमारा क्या होगा डीएफएस वन पे कॉल करेगा, डीएफएस क्या करेगा वन पे कॉल करेगा, तो वन डालेंगे, वन को विजिट कर देंगे, मेंबर्स अब कितने हो जाएंगे इस वाले ग्रुप के, जीरो थे अब वन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा वन कॉल किया, अब वन से कौन कौन कनेक्टेड है, ओनली सिक्स, क्या सिक्स विजिटेड है, नहीं है, तो इसको क्या करूंगा विजिट करूंगा। ठीक है, अब सिक्स अगला डीएफएस किस पे आएगा, सिक्स पे, कितने मेंबर्स हो गए टू। ठीक है, अब सिक्स, सिक्स से कौन कौन कनेक्टेड है, सिक्स से ओनली वन, वन क्या ऑलरेडी विजिटेड है, तो मेरा इसका डीएफएस भी खत्म हो जाएगा, दूसरा ग्रुप मेरा खत्म हो गया, दूसरा ग्रुप मेरा खत्म हो गया, मेंबर्स कितना है टू, वेक्टर में क्या पुश कर दूंगा टू। ठीक, अब क्या होगा, अब थर्ड, थर्ड ग्रुप क्या है, अब आई से टू पे आया मतलब जीरो वन टू, अब टू क्या ऑलरेडी विजिटेड था कुछ नहीं करूँगा, थ्री, थ्री क्या विजिटेड नहीं है, तो थ्री पे कॉल करूँगा, अब थ्री को डालूंगा और थ्री को कर दूंगा विजिट, मेंबर कर दूंगा, अभी इसके पहले ग्रुप खत्म हो गया था, मेंबर कितने हो जाएंगे वन। ठीक है, अब थ्री, थ्री से कौन कौन कनेक्टेड है, थ्री से कोई कनेक्टेड ही नहीं है, तो डीएफएस ही खत्म हो गया, मेंबर आ गया वन, अब क्या डालेगा थ्री से हट के फोर, फोर पे चेक करेगा, फोर ऑलरेडी विजिटेड है, फाइव, फाइव विजिटेड है, सिक्स, सिक्स विजिटेड है, तो कितने वो हो गए मेरे तीन ग्रुप हो गए, और तीनों ग्रुप के मेंबर्स मेरे वेक्टर में आ गए। अब मुझे क्या करना है, इनको काउंट करना है, मतलब पेयर्स बनाने हैं।
पेयर्स बनाने हैं तो मुझे क्या पता है 4 2 1, तो मुझे क्या करना है 2 1, अब मुझे पेयर बनाने हैं तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 12 हो गए। अब 2 के साथ पेयर बना 2 1 जा 2, तो टोटल कितने हो गए 14। ठीक है, अब चलिए इसको कोड करते हैं। ये हमारा कोड है, अब इसमें हमने क्या करना है, ये हमारा जो है मेन फंक्शन था लॉन्ग लॉन्ग काउंट पेयर्स। ठीक, अब हमने क्या करना है, एक एडजेसेंसिटी वेक्टर ऑफ वेक्टर ले लेंगे जिसमें हमारा 0 से 1, 1 से 0, 0 से 2, 2 से 0 का ये हमारा होगा, इसमें स्टोर करा लेंगे। ये सभी को पता होगा इतना ग्राफ का। ठीक है, अब एक हमारा वेक्टर होगा काउंट जिसमें हमारे मेंबर्स होंगे कि 4 2 1 के कितने ग्रुप्स के कितने मेंबर्स हैं। ठीक, एक हम विजिट कर देंगे फॉल्स, अभी इनिशियली सबको फॉल्स कर देंगे। अब हम 0 से n तक लूप चलाएंगे, अगर मेरा विजिटेड नहीं है, मेरा विजिटेड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा विजिटेड नहीं है तो मैं कनेक्टेड वो चलाऊँगा अपना कि उसमें मतलब कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं इसमें काउंट करूँगा, फिर वो मेरा क्या होगा डी एफ एस कॉल करा, अगर मेरा विजिटेड नहीं है तो उसको पहले विजिट कर दूंगा, आंसर अभी इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से। ठीक है, अब आंसर इनिशियलाइज कर दिया 1 से, अब मैं एडजस्ट बुक करूंगा ट्रैवर्स 1 से कौन कौन कनेक्टेड है नहीं है, तो आंसर मैं प्लस प्लस करता जाऊंगा मेंबर्स को। मैंने एक मेंबर्स लिया था ना, तो जितनी बार मेरा वो विजिट करेगा पहला ग्रुप तो उतने मेंबर्स मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, तो यहाँ से मेरे रिटर्न क्या हो जाएगा, आंसर, आंसर यानी कि मेंबर्स। अब मेंबर्स जब मेरे आ गए तो मैं क्या करूँगा, अपने काउंट्स में मेंबर्स को पुश कर दूंगा कि भाई मेरे एक ग्रुप में इतने मेंबर्स हैं, उसको डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे सारे मेंबर्स आ गए, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है पेयर्स, पेयर्स कैलकुलेट करने हैं। अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, वन एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, फॉर लूप चलाऊंगा कि 4 से 2, 4 से 1, फिर 2 से 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या कर सकता हूँ एक ही लूप में, कि एक टेम्परेरी वेरिएबल होगा 4। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया मैंने, उसमें क्या डाल दिया 4। अब मेरा आंसर में क्या प्लस कर दूंगा, मैंने क्या किया था, अगर मेरे 4 एक मेंबर्स में है तो टोटल कितने बचे मेरे 3, मैं क्या कर दूंगा 7 - 4 × 4 कितना हो जाएगा 12। अब मुझे क्या करना है, टेम्प्रेरी में 2 प्लस कर दूंगा तो टोटल कितने होंगे 6। अब मेरे 6 कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड नहीं है, तो आंसर में कितना प्लस हो जाएगा, मेरा आंसर में प्लस हो जाएगा के जो था मेरा पहले कितने थे 12, फिर अब कितना हो जाएगा 7 - 6 × ये वाला डाला 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 + 2 = 14। ठीक है, अब मेरा क्या हो जाएगा, फिर 6 था, 6 में प्लस 7 कर दूंगा, अब मेरा क्या हो जाएगा 14 + 7 - 7 × तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो कितने हो गए टोटल 14। यही मैंने यहाँ किया है, आंसर ले लिया, टी ले लिया, टी में प्लस कर दिया काउंट साइज, फिर उसको एन माइनस टी, फिर रिटर्न आंसर कर दिया। चलो रन करते हैं। हो गया, सबमिट करते हैं। तो चलिए सबमिट हो गया। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।